सीतापुर नाम के गांव में शकुंतला नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत झगड़ालू थी। उस गांव में उसे झगड़ालू शकुंतला कहा करते थे। झगड़ालू के साथ साथ वो बहुत स्वार्थी भी थी। उसका इकलौता बेटा राघव माँ के नक्शो कदम पर चलता था। हाल ही में उसकी शादी हुई। उसकी पत्नी देविका अच्छे स्वभाव की लड़की थी। कुछ ही दिनों में देविका गर्भवती बनी। शकुंतला देविका को खाना भी ठीक से नहीं देती थी। देविका को बहुत भूख लगती थी। एक बार देविका शकुंतला से, माँ जी मुझे खाना बहुत कम पड़ रहा है, भूख बहुत जोर से लग रही है। ऐसी हालत में तरह तरह के पकवान खाना चाहिए, पर आप तो मुझे भूखा रख रही है। मैं कुछ दिनों के लिए मायके हो आती हूँ। क्यों रे करमजली, अपने मायके जाकर मेरे बारे में शिकायत करेगी? कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ससुराल में ही प्रसव होता है, चुपचाप घर पर ही पड़ा रहे। देविका राघव को मनाने की कोशिश की। तब राघव, माँ जैसे बोल रही है वैसा ही करो, खुद का दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जाना चाहती हो तो हमेशा के लिए चली जाओ। राघव की बात सुनकर देविका को बुरा लगा। देविका के पेट में जुड़वे बच्चे थे। वो दो बच्चे एक दूसरे से बात करने लगे, छोटा बच्चा बड़े से, भैया भैया दादी माँ तो माँ को बहुत तड़पा रही है और पापा भी माँ को समझ कर नहीं ले रहे, बहुत जोर से भूख लगी है भैया, माँ को ही खाना नहीं है तो हमें कहाँ से मिलेगा। तब बड़े छोटे से, छोटे तुझे बहुत भूख लगी है ना, फिक्र मत कर, मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, माँ जब खाना खाएगी मेरे हिस्से का भी तू खा लेना, मैं सह लूंगा। माँ के पेट में ही दोनों भाई एक दूसरे से गले लगाए। देविका ने रूखा सूखा कुछ खाना खाया। देविका के पेट के अंदर खाना जाते ही बड़े अपने हिस्से का खाना छोटे को दे दिया। छोटे की भूख मिटाने के लिए बड़ा रोज भूखा रहता था। बड़ा दिन ब दिन कमजोर बनता गया और साथ ही साथ देविका की तबीयत भी बिगड़ गई। देविका के मायके वाले जब भी उसे मिलने के लिए आते थे, उसके लिए तरह तरह के पकवान, काजू, फल वगैरह सब कुछ लेकर आते थे। पर वो लोग जाने के बाद शकुंतला और राघव दोनों मिलकर सारा खाना बिना देविका को दिए खा जाते थे। देविका चुपचाप सहती जाती थी। अड़ोस पड़ोस वाले को ये बात मालूम पड़ी। शकुंतला का बुरा बर्ताव के वजह से बेबस होकर कोई कुछ कर नहीं पाते थे। दिन ब दिन देविका कमजोर होती गई और देविका के साथ साथ उसके पेट में पला जुड़वा बेटों में से बड़ा बेटा भी कमजोर हो गया। एक दिन बड़े बेटे ने छोटे से, छोटे लगता है मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा, माँ का ख्याल रखना, माँ को कभी दुख मत देना। इतना कहकर देविका की कोख में वो बड़े की मौत हो गई और छोटा रोने लगा। देविका की हालत खराब हो गई। वो काम करते करते गिर गई। अड़ोस पड़ोस वाले भागते हुए आकर देविका को अस्पताल लेकर गए। देविका की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने शकुंतला और राघव के ऊपर गुस्सा किया। देविका का प्रसव हुआ। जुड़वा बच्चों में से एक ही बच्चा जिंदा बचा और दूसरा मरा पैदा हुआ। गांव के लोग शकुंतला और राघव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किए। पुलिस आकर शकुंतला और राघव की गिरफ्तारी किए। बदलापुर नाम के गांव में कुसुम नाम की लड़की रहती थी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसके दोनों हाथ जरूरत से ज़्यादा लंबे थे, मतलब उसका हाथ लगभग 8 फुट का था। कोई उससे शादी नहीं करते थे। बगल के गांव में नीरजा नाम की एक लालची औरत रहती थी, जिसका इकलौता बेटा अमर कपड़ों का व्यापारी था। नीरजा को जब कुसुम के बारे में पता चला तो वो दहेज के लालच में आकर अमर से शादी करवा दी। अमर के सारे दोस्त कुसुम को देखकर खिल्ली उड़ाने लगे। अमर बहुत उदास हो गया। शादी की पहली रात अमर अपने कमरे में बैठा था, तब हाथ में दूध का गिलास लेकर शर्माती हुई वो अमर के ओर आने लगी। अमर को सिर्फ उसका हाथ और दूध का गिलास दिख रहा था, कुसुम नहीं दिख रही थी। कुसुम तब किचन रूम में थी, वहां से अमर को वो दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। तब अमर डरते हुए, अरे बाप रे, ये तो भूत है भूत, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, कहकर कमरे से भागने लगा। नीरजा अपने कमरे में से बाहर निकलकर भागते हुए बेटे को रोकने की कोशिश में, बेटा तुम उसके हाथों को क्यों देख रहे हो, उसे देखो, देखो कितनी अच्छी है बहू मेरी, वो जैसी भी है अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसे अपनाना ही होगा। मैं मर जाऊंगा पर कभी उसको अपनी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा,
कहते हुए घर से बाहर निकल गया। तब कुसुम उदास होकर अमर के कमरे में जाकर नीचे बिस्तर डालकर सो गई। अगले दिन सुबह कुसुम बिना अपने कमरे से निकले रसोई घर का पूरा काम कर दिया। उसके लंबे हाथ की वजह से अमर को बाहर आने जाने का तकलीफ हुआ। वो झुक के हाथ के नीचे से आ रहा था और हाथ के नीचे से जा रहा था। अमर की माँ को किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने कमरे में बैठकर दहेज का रकम गिनने में व्यस्त थी। उस रात अमर आकर कुसुम से, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये क्या बात हुई जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हारा हाथ तुम्हें खोना होगा। मतलब? मतलब ये कि मैंने आज एक डॉक्टर से बात की, उसने एक हल निकाला। वो ऑपरेशन करके तुम्हारे दोनों हाथ निकाल देगा। हाथ नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मैं तुम्हें जिंदगी भर साथ दूंगा कुसुम। मेरे ये दो हाथ, हम दोनों के बीच अगर तनाव पैदा कर रहे तो मैं अपने हाथ निकालने के लिए तैयार हूँ। ऑपरेशन के लिए कल ही जाएंगे। अमर खुश हो गया। वो अपनी माँ को बिना बताए कुसुम को बाइक में बिठाकर बाहर लेकर गया। बाइक जब ब्रिज पार कर रहा था तब अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आने लगा, तो अमर अपना कंट्रोल खो बैठा। बाइक जाके डिवाइडर से टकराया। तब कुसुम नीचे गिर गई और अमर खाड़ी में गिरने ही वाला था तब कुसुम के दोनों हाथ अमर के हाथों को पकड़ लिया और अमर बच गया। तब जाकर अमर को एहसास हुआ, मुझे माफ कर दो कुसुम, मैं दोस्तों के बहकावे में आकर एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था, तुम्हारे हाथों की वजह से ही आज मैं बाल बाल बचा। कहकर अमर कान पकड़ के कुसुम से माफी मांगा और वो दोनों घर वापस लौटे।